नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिलसिला बाजारों का। सिलसिला बाजारों का में आज चर्चा करेंगे यहां पे कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है। सबसे पहले कम्युनिटी बाजार में शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज से, सोने और चांदी से। तो सोने और चांदी में हमने देखा था कि पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छी रैली निकल के सामने आई थी। सोने चांदी की कीमतों में काफ़ी शानदार बढ़त देखने को मिली थी। सोने चांदी की जो चमक है पहले के मुकाबले अब और ज़्यादा बढ़ती नजर आई थी, क्योंकि जो खरीदारी है दिवाली के बाद से वो लगातार बढ़ती नजर आई थी निचले स्तरों से। और दूसरा, जब से फेड की बैठक हुई थी और ये बयान निकल के सामने आए थे कि जो फेडरल रिजर्व बैंक है और जो दूसरे बैंक है वो ब्याज दरें बढ़ाने में अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे, ब्याज दरें वही रहने दी जाएंगी, तो हमने सोने चांदी की कीमतों में एक बढ़त बनती देखी थी। वही बढ़त हमने बीते कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन तक जारी रहते हुए देखा था, लेकिन आज देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर कॉमेक्स पर एक लाल निशान के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोना इस वक्त इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में 1849 और सिल्वर $24.7 पर कारोबार करते नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में आज इंटरनेशनल मार्केट में लाल निशान के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। वहीं MCX सिल्वर की बात करें तो 65,621 पर कारोबार करती नजर आ रही है। दरअसल फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से जो बयान निकल के सामने आया है और डॉलर में तेजी रहने की वजह से सोने चांदी की कीमतों पर एक हल्का दबाव बनता नजर आया है। तो आज सोने चांदी की कीमतों में कैसा रुझान देखने को मिलेगा इंट्राडे के अंदर, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कौन सी कम्युनिटी कैसा कारोबार कर सकती है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। देख रहे हैं आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गोल्ड और सिल्वर इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर एक लाल निशान पर कारोबार करते नजर आ रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से फेडरल रिजर्व के जो बयान निकल के सामने आए हैं, क्या अब सोने चांदी में एक गिरावट का दौर देखने को मिलेगा या फिर सोने चांदी की कीमतों में यहां से तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, सोने और चांदी की जहां तक बात है, एक बार फिर से ऊपरी स्तरों पर दबाव बनते हुए दिखाई दिया है। डॉलर के अंदर तेजी आई है जिसकी वजह से सोने को काफी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है और यूरो उधर से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूरोप के अंदर COVID-19 केसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये सारे फैक्टर है जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा बाजार जो है वो डाउनसाइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहां तक गोल्ड की बात है, अभी भी 1840 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी है गोल्ड की, तो अभी इंटरनेशनल मार्केट्स में 1820 का अहम सपोर्ट रहेगा। अगर उसको ब्रेकडाउन नहीं देता है तो वापिस से बाउंस बैक आ सकता है, अदरवाइज ऊपरी स्तरों पर एक बार फिर से फिसलता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी आज इंट्राडे में लग रहा है कि थोड़ा सा दबाव जो है वो गहरा सकता है नीचे में। $1840 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 1820 तक एक बार नीचे लुढ़क सकता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि सोने और चांदी के अंदर आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, गिरावट आ सकती है। ऊपरी स्तरों पर आज मुनाफा वसूली हावी होते हुए हम देख भी सकते हैं। तो आज सोना जो है एक बार नीचे में 48,800 से लेकर 48,600 तक ज्यादा से ज्यादा गिरावट दिखा सकता है, तो वहां पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बाइंग की ली जा सकती है। लेकिन वहीं शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी की बात करें तो प्रेशर बन सकता है 48,600 तक। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी में भी ऊपरी स्तरों पर जो दबाव था वो अब घरेलू बाजारों में तो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और 65,600 पर अभी चांदी कारोबार कर रही है। अगर यहाँ से डिप आती है तो 65,400 से लेकर 65,200 तक बाजार नीचे में लुढ़क सकता है और फिर मुझे लगता है कि वहां से एक बार बाउंस बैक आ सकता है, इसको ऊपर ले जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि सोने और चांदी में करेक्शन के अंदर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बाइंग की रखना चाहिए, लेकिन इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से सेलिंग करके चला जा सकता है। जी, यानी कि इंट्राडे में आज इंट्राडे की बात की जाए तो सोने चांदी की कीमतों में एक सेलिंग प्रेशर बनता नजर आ सकता है, बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। तो रूपा जी की तरफ से इंट्राडे के लिए सोने में बिकवाली की सलाह रहेगी, लेकिन बात करें अगर लंबी अवधि की तो रूपा जी की तरफ से लंबी अवधि में सोने में निचले स्तर पर गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढकर चलना सही रहेगा निचले स्तर पर। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं, ये लंबी अवधि में सोने चांदी कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। सोने चांदी की कीमतों में लंबी अवधि में निचले स्तर से खरीदारी निकल के सामने आ सकती है। रूपा जी, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जैसा आपने बताया कि यूरोप के अंदर कोविड के केसेस एक बार फिर से बढ़ गए हैं, हाइक देखने को मिल रही है कोविड केसेस के अंदर, और दूसरा फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उससे भी सोने चांदी
का दबाव बन रहा है, जैसा आपने अभी बताया। लेकिन सोने चांदी की हम देख रहे हैं कि घरेलू स्तर पर भी और एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी एक इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी कायम है। आपको क्या लगता है, क्या कोविड के केसेस और बाकी जो फेड के जो बयानबाजी हो रही है, क्या उसको कवर अप करने के लिए इंडस्ट्रियल डिमांड काफी रहेगी, या फिर इंडस्ट्रियल डिमांड निकलने के बावजूद भी सोने चांदी में एक हल्की नरमी देखने को मिल पाएगी? देखिए, इंडस्ट्रियल डिमांड तो हमेशा से ही रही है और सोने और स्पेशली चांदी के अंदर इंडस्ट्रियल माल तो निकलती ही है, और अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए मैंने कहा कि सोना और चांदी है तेजी की तरफ ही, इसका ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। अभी हल्की फुल्की करेक्शन देखने को मिल रही है, जिस तरीके से डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बाजार लुढ़के हैं। तो फिलहाल के लिए 65,000 के ऊपर चांदी अभी भी सस्टेन है, और यहाँ से जो तेजी है वो बन सकती है 68,000 से 70,000 तक की, और नीचे जो डाउनसाइड है वो 64,000 के आसपास एक बार सिमटता हुआ दिखाई दे सकता है। जी सर, रूपा जी, नजर डालें अगर कच्चे तेल की कीमतों की ओर तो देख रहे हैं कि WTI $76 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $78 पर। रूपा जी, ब्रेंट क्रूड को हमने $86 पर भी जाते हुए देखा है, अब देख रहे हैं कि $80 के नीचे दोनों ही कच्चे तेल कारोबार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से कच्चे तेल में सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा रहने का कंसर्न है और सिनेरियो भी अभी भी हम वही देख रहे हैं, उसके बावजूद कीमतें नीचे क्यों जा रही है, कीमतों में तेजी कब तक बन सकती है, और सबसे पहले कीमतें नीचे जाने का कारण क्या बन रहा है? देखिए, जो कीमतें नीचे जा रही है मैंने पहले ही प्रेडिक्ट बता दिया था कि कीमतें आगे नीचे जा सकती है, क्योंकि यूएस की तरफ से रिजर्व को रिलीज करने की बात कही जा रही है, और उसका ही इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि लगातार बाजारों के अंदर अब गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिजर्व्स बढ़ सकते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, सऊदी में जो ये कोरोना के केसेस जो है यूरोप में जो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन वहीं एक ट्रिगर ये भी निकल कर आ रहा है कि कल कुछ एक, मुझे लगता है कि अभी खबर पूरी क्लियर क्लैरिटी नहीं है इस न्यूज पर, लेकिन शायद सऊदी के ऊपर कुछ हमला हुआ है तो उसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिव जा सकता है कच्चे तेल के ऊपर। लेकिन फिलहाल जो गिरावट आई है उसका मेन कारण यही है, क्योंकि यूएस ने जो कहा था कि रिजर्व में से स्टॉक को रिलीज किया जाए, और उसकी वजह से एनर्जी के प्राइजेस जो है वो नीचे गए हैं, और अभी आने वाले दिनों में वापिस से प्राइजेस मुझे लगता है कि बूस्टअप कर सकते हैं। अभी $76 के आसपास है कच्चा तेल, तो अगर $75 के फिगर राउंड अप में आता है तो मुझे लगता है कि वहां से बाइंग की रणनीति लेनी चाहिए। आने वाले दिनों में वापिस से कच्चे तेल के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर जो ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, या यूं कहें कि जो बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दे रही है, ये जो लेवल्स हैं डोमेस्टिक मार्केट में 5600 तक एक बार नीचे जा सकते हैं। 5600 के बाद मुझे लगता है कि ऊपर में वापिस से सपोर्ट लेता हुआ मार्केट अपसाइड में जा सकता है। जी ये सर, भाई बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में भी देख रहे हैं कुछ ज्यादा खास तेजी बंदी नजर नहीं आ रही है। हालांकि कुछ बेस मेटल्स हैं जिनमें हरे निशान पर कारोबार दर्ज किया जा रहा है, एक मिला जुला से रुझान देखने को मिल रहा है। आपकी तरफ से आज बेस मेटल्स में क्या लेवल्स रहेंगे? बेस मेटल की बात है तो बेस मेटल में भी पॉजिटिव ही रुझान है। आज भी इंट्राडे में थोड़ा सा करेक्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें बिकवाली हावी होती हुई नजर आएगी। बेस मेटल में 728 के आसपास अगर कॉपर मिलता है, 2 से 3 रुपए की करेक्शन अगर अभी भी ऊपरी स्तरों पर बनती है तो वहां पर बाइंग की रणनीति रखनी चाहिए 728 पर। 720 का स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए ऊपर में 740 का टारगेट की तरफ जा सकते हैं। वहीं निकल की बात करें तो निकल भी 1480 के स्टॉप लॉस के साथ हर डिप पर बाय किया जा सकता है। आज इंट्राडे में हो सकता है आपको फर्स्ट हाफ में निकल में गिरावट देखने को मिले, 1510 तक आता हुआ बाजार दिखाई दे, लेकिन मुझे लगता है कि उस गिरावट के अंदर खरीदारी की तरफ जाना चाहिए और निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। रूपा जी, आपकी तरफ से आज नॉन एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनके अंदर आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि आज अगर आज इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर डिप पर खरीदारी की जा सकती है। 5660 पर भी मिले तो वहां पर भी डोमेस्टिक मार्केट में बाइंग किया जा सकता है। 5620 का स्टॉप लॉस लगाकर 5660 पर खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 5720 से लेकर 5740 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजार का में अभी के लेवल इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।